Okay, so today we'll be discussing the 2014 oral pathology paper. Okay, NEET MDS paper. NEET MDS, not NEET MDS. I think at that time it was AIPG. Okay, so we'll discuss that paper. So first question, which of the following cyst is associated with a vital tooth? Konsa cyst? Have you studied the chapter cyst and tumor? Cyst and tumor. Do you know what is vital and non-vital? Akash, Aniket, do you know what is vital and what is non-vital? So, vital, which is erupted in the oral cavity, and non-vital, which is delayed eruption. Hota hai jo. Nee, galat. So, it's not like that. Part necrosis is occurs in non-vital teeth. A tooth with functioning pulpal tissue is vital teeth. Matlab, jo teeth hai na, apka, इसमें अगर फंक्शनिंग पल्पल टिश्यू होगा, अगर पल्पल टिश्यू जिंदा है, ठीक है, देन यू हैव इट इज वाइटल टूथ. लाइक आपका दांतों में योर मोस्ट ऑफ द टीथ आर वाइटल, क्योंकि उसमें अभी तक आरसीटी या ऐसा कुछ नहीं किया है, तो दे आर वाइटल टीथ. पर नॉन वाइटल, जैसे कुंभर ने बोला, नॉन वाइटल आर दोस उसमें नेक्रोसिस हो गया है, जो पल्प में नेक्रोसिस हो गया है या डेड पल्प. ओके, तो उसको हम नॉन वाइटल टीथ बोलते हैं. तो समझ में आया अभी वाइटल क्या है, नॉन वाइटल क्या है? अंडरस्टूड? यस सर. अभी सिस्ट क्या है बताओ? सिस्ट फ्लूइड फिल्ड कैविटी. हाँ, सिस्ट हो गया फ्लूइड फिल्ड. फ्लूइड फिल्ड विथ लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस ना, ए कैविटी व्हिच इज फिल्ड विथ लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस. ओके, ये हो गया आपका सिस्ट. तो इनमें से आपको बताना है, जो ऑप्शन दिया है इनमें से आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट इज एसोसिएटेड विथ ए वाइटल टीथ. कौन सा यहाँ पे आपका वाइटल टीथ के साथ एसोसिएटेड है? Lateral periodontal B. No. मैं बोल देता हूँ इसका आंसर है आपका ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट. दिस इज ए वाइटल, इज एसोसिएटेड विथ ए वाइटल टूथ. और ये कहाँ पे पाया जाता है? इन बिटवीन मैक्सिलरी लेटरल इंसाइसर एंड कैनाइन टीथ. ओके, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइसर और कैनाइन टीथ के बीच आपको पाया जाता है ये. तो ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो सम सिस्ट ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद वाइटल टीथ. तो कुछ सारा ट्यूमर और सिस्ट एसोसिएटेड विद वाइटल टीथ आर, ये देखो, एक है सीमेंटोमा. ओके, फिर ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. यहाँ पे लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट भी है क्या? नहीं, लेटरल सिस्ट है बट नॉट लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. ओके, देन कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस, ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट और पेरिफेरल ओस्टियोफाइब्रोसिस, ओस्टिफाइंग फाइब्रोमा. सो दिस आर टू बी रिमेम्बर्ड. कुंभर, आपको नीट एमडीएस के लिए ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? सीमेंटोमा, ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस, ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट और पेरिफेरल ओस्टियोफाइब्रोसिस. ओके, द टीथ एसोसिएटेड विद ए ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट आर वाइटल अनलेस coincidentally infected. कभी कभी, मतलब hardly, like sometimes it may be infected, but most of the time it is vital. ठीक है, ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट जो होता है it is vital. ठीक है, next. Condition in which tongue is attached to the floor of the mouth by a small frenum is called, very simple, ankyloglossia. Okay. So, tongue tie भी तो होगा. हाँ हाँ, tongue tie मैं वही देख रहा था. This is tongue tie is also correct. Okay. So, ankyloglossia, ये है ankyloglossia. When the this one frenum is connected to the tongue ना, the क्या है, floor of the mouth by a small frenum. Okay. तो ये tongue tie हो गया या ankyloglossia. Okay. So, involucrum क्या है? उस दिन बताया था ना हमने. What is involucrum? कौन सा होगा? New bone forming in the dead space within the bone. I don't think so. Dead bone lying within a bony cavity rejected by the body. Dead bone lying within a body cavity. Newly forming bone surrounding dead bone.
या न्यूली फॉर्मिंग बोन सराउंडिंग सी हाँ इट्स सी न्यूली फॉर्मिंग बोन सराउंडिंग डेड बोन. ओके तो न्यूली फॉर्मिंग बोन सराउंड ये डेड बोन है उसके आसपास कोई न्यूली फॉर्मिंग बोन है तो उसको इन्वोलक्रम इन्वोलुक्रम बोलते हैं. ठीक है तो इन्वोलुक्रम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड प्रेजेंस ए थिक शीट ऑफ पेरियोस्टियल न्यू बोन सराउंडिंग ए सिक्वेस्ट्रम. सिक्वेस्ट्रम को सिक्वेस्ट्रम व्हाट व्हाट इज सिक्वेस्ट्रम एनीवन कैन टेल मी डेड बोन. हाँ डेड बोन सिक्वेस्ट्रम इज डेड बोन. ओके सो इन ए पेशेंट विद एंगुलर चेलाइटिस द हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन ऑफ ए स्मियर फ्रॉम द लेशन वुड मोस्ट प्रोबेबली रिवील. तो एंगुलर चेलाइटिस क्या है पता है आपको? आई थिंक आई शुड हैव केप्ट अ पिक्चर ना एंगुलर चेलाइटिस का. ए हाँ HSV-1 एंगुलर चेलाइटिस में क्या होता है इट अफेक्ट्स द कहाँ पे उसका टारगेट कहाँ पे होता है कॉर्नर्स ऑफ द लिप लिप हाँ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ या कॉर्नर्स ऑफ द लिप ना. ठीक है तो रिस्क फैक्टर क्या है जो डेंचर वेयरर है उसमें अगर वर्टिकल डायमेंशन कम हो जाता है तो उनमें आपको ये एंगुलर चेलाइटिस होता है. ठीक है तो आपने बोला है HSV-1 बट द आंसर इज कैंडिडा इन्फेक्शन. ठीक है कैंडिडा एंगुलर चेलाइटिस इज फ्रिक्वेंटली कॉज बाय कैंडिडा इन्फेक्शन नॉट HSV-1. HSV-1 में लिप्स में होता है नॉट इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. ठीक है नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग कंडीशन सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस हेपेटाइटिस ए प्लमर विंसन सिंड्रोम एंड पेजेट डिजीज व्हिच टू आर प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपका कैंसर में मेलिग्नेंट लेशन में आपको आएगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा द कॉजेस द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. आप थर्ड ईयर में एग्जाम दोगे तो आएगा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजिंग आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. सो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा प्लीज सी इफ यू कैन आंसर. जस्ट थिंक सी हाँ सी सी इज करेक्ट. ये आपका देखो यहाँ पे रिस्क फैक्टर फॉर ओरल स्क्वामस कार्सिनोमा क्या है टोबैको एंड अल्कोहल विटामिन ए डेफिशिएंसी रेडिएशन लेने से भी हो सकता है इम्यूनोसप्रेशन क्रॉनिक ट्रॉमा फ्रॉम डेंचर चीक बाइटिंग जैक टूथ मार्जिन डेंचर के कारण हो सकता है चीक बाइटिंग के कारण हो सकता है टूथ मार्जिन अगर ज्यादा शार्प ऐसे कुछ है हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछते हैं हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसके कारण भी होता है लिप कैंसर के कारण भी होता है सन एक्सपोजर पाइप स्मोकिंग प्लमर विंसन सिंड्रोम. प्लमर विंसन सिंड्रोम पता है क्या है एनीवन कैन टेल व्हाट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम कहाँ पे पाया जाता है एनीवन कैन टेल प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या है. कहाँ पे पाया जाता है कौन सा एनीमिया में पाया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पाया जाता है. तो इसमें क्या होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम पीपल विद दिस कंडीशन हैव प्रॉब्लम स्वालोइंग ड्यू टू स्मॉल थिन ग्रोथ्स ऑफ टिश्यू दैट पार्शियली ब्लॉक द अपर फूड पाइप. मतलब इसोफेगस में इसमें कुछ स्वेलिंग्स हो जाता है. ठीक है स्वेलिंग या ग्रोथ वी कैन से थिन ग्रोथ्स आर देयर एंड व्हिच कॉसेस ऑब्स्ट्रक्शन इन आपको इन स्वालोइंग. ओके सो दिस इज जनरली ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक आयरन डेफिशिएंसी होने के कारण प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है. तो सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस क्या है सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस हैपेंस इन कहाँ पे होता है सिफिलिस पे होता है. तो इट इज ऑल्सो आपका जो जो इट ऑल्सो कॉजेस आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ओके डिस्कलरेशन ऑफ ए टूथ ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनेमिया ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एनीवन कैन टेल क्लोरोडोंशिया इट्स करेक्ट. तो अभी देखते हैं क्लोरोडोंशिया का आपका डिजीजेस दैट प्रोड्यूस क्लोरोडोंशिया कौन सा डिजीजेस हमारा क्लोरोडोंशिया करता है. इट इज सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड बिलियरी एट्रेसिया. ओके तो सिकल सेल एनीमिया हो गया फिर थैलेसीमिया हो गया हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न बिलियरी एट्रेसिया.
ठीक है, बाइल डक ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सारा आपको याद रखना है। क्लोरोडेंशिया कौन करता है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और बिलियरी एट्रेसिया। ओके, चेंजेस इन साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ जिंजाइवा आर सीन इन विच स्टेज ऑफ जिंजाइवाइटिस। तो जिंजाइवाइटिस का क्या क्या स्टेज है? एनी वन कैन, जिंजाइवाइटिस का क्या क्या स्टेज है? खुम्बर बता सकते? हाँ हाँ, फाइव स्टेजेस होता है ना। हाँ, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, ऐसे करके है। तो अर्ली लेशन, इनिशियल लेशन, अर्ली लेशन, फिर क्या है, एडवांस, ऐसे करके है। तो विच स्टेज में आपको कलर, साइज भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। साइज इज ऑल्सो चेंज, कलर इज ऑल्सो चेंज एंड टेक्सचर इज ऑल्सो चेंज, कौन सा होगा? लेट्स स्टडी इट ना। तो देखो स्टेजेस क्या है। स्टेजेस वन, डेज मतलब 2 से 4 दिन के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन जिंजाइवल फ्लूइड फ्लो, आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगा, इंक्रीज इन जिंजाइवल फ्लूइड फ्लो। स्टेज टू हो गया आपको 4 to 7 days में, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट्स मिलेगा और एरिथेमा मिलेगा, ब्लीडिंग एंड प्रोबिंग। स्टेज थ्री कौन सा है, 14 to 21 days, ओके। इसमें आपको मिलेगा प्लाज्मा सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट, चेंज इन कलर, साइज, टेक्सचर एक्सेट्रा। सो कलर, साइज, टेक्सचर, ये देखो तीन चीज है ना, कलर, साइज, टेक्सचर, तीन चीज है स्टेज थ्री में, ठीक है। और यहाँ पे प्लाज्मा सेल एंड बी लिम्फोसाइट्स, प्लीज रिमेम्बर दिस, ये भी आता है। स्टेज वन में पीएमएन, सो सबसे पहला कोई इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन सा सेल सबसे पहले आता है, न्यूट्रोफिल। एक्यूट, एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको सबसे पहला आता है न्यूट्रोफिल, और क्रोनिक में कौन सा आता है, लिम्फोसाइट्स एंड अदर सेल्स ना, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेज वन में आ गया न्यूट्रोफिल्स, इसका और एक नाम है पीएमएनस का, न्यूट्रोफिल्स, ओके। तो स्टेज टू हो गया लिम्फोसाइट्स आएगा, स्टेज थ्री में प्लाज्मा सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट, स्टेज फोर में प्लाज्मा सेल। तो स्टेज फोर में क्या होता है, ग्रेटर देन मंथ डिजेनरेशन हो जाता है, लॉस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट एंड एल्वियलर बोन, ठीक है। तो वो बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा थ्री, ओके, स्टेज थ्री। मदर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड इज वरीड अबाउट ए स्मॉल येलोइश व्हाइट नोड्यूलर इरप्शन अलोंग द मिड पैलेटिन रफे दैट हैड फॉर्म्ड इन द चाइल्ड्स माउथ। तो क्या है ये आपका, हाँ, मिड पैलेटिन रफे में एक व्हाइट कुछ दिखाई दे रहा है उसको, शी इज वरीड, व्हाट इज दैट, इट इज एब्स्टेन पर्ल्स, ओके। सो दिस इज एब्स्टेन पर्ल, देखो ये है, दिस इज इट, ठीक है। Palatine cysts of the newborn, also known as Epstein pearls, are small white or yellow cystic vesicle, often seen in the median palatal raphe of the mouth. तो कहाँ पे मिलता है इसको? You have to remember median palatal raphe, okay? Of newborn infants, they are typically seen on the roof of the mouth, palate में दिखाई देता है and are filled with fluid, okay? A patient has multiple epidermoid cysts. इंटेस्टाइनल हेमाटोमास, तो क्या क्या है, सिस्ट है, हेमाटोमास है, ओस्टियोमा है एंड मल्टीपल इंपैक्टेड टीथ, दिस इज ए सिंड्रोम, कौन सा होगा, कौन सा होगा यहाँ पे, प्लीज रीड, गॉडलिन गोल्ड, आपको पता है गॉडलिन गोल्ड सिंड्रोम में क्या होता है? This is आपको ये गार्डनर सिंड्रोम होता है, दिस इज द आपका जो यहाँ पे सिम्टम्स बता रहा है ना, दिस इज ऑल बिलोंगिंग टू गार्डनर सिंड्रोम, ओके। गार्डनर सिंड्रोम में ओस्टियोमा मिलता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू गॉडलिन गोल्ड सिंड्रोम जो बोला है आपने उसका सिम्टम्स क्या है, ठीक है। जस्ट लेट मी फाइंड इट आउट फ्रॉम माई बुक, हाँ, गॉडलिन गोल्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल निवास बाइफिड रिब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गॉडलिन GORLIN होगा, ठीक है। तो गॉडलिन गोल्ड्स में क्या होता है, मल्टीपल ओडोन्ट्रोजेनिक केराटोसिस्ट मिलता है, ठीक है। फिर बेसल सेल कार्सिनोमा होता है इसमें, ठीक है, बाइफिड बेसल रिब, ओके।
रिब में इसका प्रॉब्लम होता है, बाइफिड रिब होता है आई थिंक, ऐसे होता है रिब, रिब लाइक बाइफिड ऐसे होता है रिब, ठीक है। फिर बाइफिड बेसल रिब न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस होता है इसमें, फिर ऑप्थल्मोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस होता है एंड सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज होता है। सो दिस इज गॉडलिन गॉर सिंड्रोम, ओके। न्यूरोफाइब्रोमाइटिस वी स्टडी इन आपका न्यूरोलॉजी में, मेडिसिन में स्टडी करते हैं। न्यूरोफाइब्रोमाइटिस में, फाइब्रोमेटोसिस में वी डोंट सी सिस्ट, हेमाटोमा, दिस ओस्टियोमा, फिर ये इम्पेक्टेड टीथ, इम्पेक्टेड टीथ याद रखना, इम्पेक्टेड टीथ, दिस इज सीन इन गार्डेनर सिंड्रोम, ओके। इसका आंसर है आपका गार्डेनर सिंड्रोम। मल्टीपल पॉलीपोसिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या होता है गार्डेनर सिंड्रोम में, मैं बोलता हूँ एक बार फिर से आप नोट कर दो। मल्टीपल पॉलीपोसिस ऑफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर ओस्टियोमास होता है, प्लीज आप चेक कर लेना ये सब का मीनिंग क्या क्या है। मल्टीपल सेबासियस सिस्ट होता है एंड इम्पैक्टेड सुपर न्यूमररी टीट, ओके। तो दिस इज परफेक्टली मैचिंग विद द आंसर हियर, ओके। आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो गार्डेनर सिंड्रोम देखो, आई डोंट थिंक दिस न्यूमोनिक्स इज रिक्वायर्ड, टीनास ओएस एंड पोलिप्स आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। आप ऐसे भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ये अपने आप याद हो जाएगा, सेबासियस सिस्ट, डेस्मोइड सिस्ट, फाइब्रोसिस, रेटिना, ऑस्टियोमा एंड पोलिप्स, ओके। Which of the following have malignant potential? कौन सा disease है, कौन सा है यहाँ पे जो malignant potential रखता है? Okay, आपने नहीं सुना होगा तो let me tell you, Paget disease and fibrous dysplasia. Okay, तो Paget disease क्या करता है? Osteosarcoma. Okay, osteosarcoma. और fibrous dysplasia ऐसे कुछ नहीं करता है, but it is not कि impossible. While development of osteosarcoma is a well-known complication of Paget disease, malignant change is rare but possible occurrence in fibrous dysplasia. So malignant change jo hai is rare, theek hai, with fibrous dysplasia, but it's not impossible, okay. The use of radiation in fibrous dysplasia is contraindicated due to the possibility of development of osteosarcoma in the lesion, okay. To agar radiation denge hum, agar radiation denge in fibrous dysplasia patient, तो क्या हो सकता है उसको? ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, ठीक है। सो फाइब्रस डिस्प्लेशिया द एबनॉर्मल, यहाँ पे ज्यादा कुछ, यहाँ पे ये चीज याद रखो कि फाइब्रस डिस्प्लेशिया दो प्रकार का होता है, एक मोनोस्टोटिक, एक होता है पोलिस्टोटिक। मतलब मोनोस्टोटिक में क्या है, ओनली मोनो मतलब ओनली वन बोन इज इन्वॉल्व, ओके, एंड पोलिस्टोटिक मतलब मल्टीपल bones are involved, okay, are involved. So I think it's not required much to differentiate between facial hemifacial hypertrophy and unilateral fibrous dysplasia of the maxilla, evaluation of which of the following would be most useful. So I think it is a very tough question for you. Hemifacial matlab kya hai, hemifacial bol sakte ho? Half of the face and hypertrophy मतलब क्या है? Increase in size. हाँ, hypertrophy increase in size. तो मतलब क्या होता है? Facial hemi facial hypertrophy में क्या होता है? Increase in size of one side of the face. Okay, increase in size of one side of the face होता है, ठीक है। और fibrous dysplasia में भी होता है, but difference क्या है? जो फाइब्रस डिस्प्लेशिया में होता है उसमें टीथ आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ओके, टीथ आर नॉट इन्वॉल्व्ड। जो एनलार्जमेंट होता है फाइब्रस डिस्प्लेशिया में, टीथ आर नॉट इन्वॉल्व्ड। बट इन केस ऑफ आपका जो हेमिफेशियल हाइपरट्रोफी है, इसमें आपका एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओके, जॉस, टीथ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट हेमिफेशियल हाइपरट्रोफी एंड फाइब्रस डिस्प्लेशिया? बाय comparison of size of jaws and teeth on both sides. तो क्या करेंगे? Size of jaws and teeth on both sides. Okay? So this is a patient suffering from facial hemi hypertrophy. Okay? Is associated with enlargement of both the jaws and the teeth. तो क्या होता है? इसमें facial hemi hypertrophy में क्या होता है? Jaws भी enlarge होता है
एंड आपका टीथ्स आर ऑल्सो एनलार्ज, वेयर एज इन केस ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेशिया ओनली द jaws are enlarged, only the bone affected is enlarged, but the teeth are not affected. Okay, syndrome associated with facial hypertrophy. So kaun sa syndrome associated hai yahan pe? Sabse important hai proteus syndrome. It is very common. These are not very much common. Aap just naam ek bar padh lena. I don't think it is required to remember. Also proteus syndrome yaad rakh lena ki facial हाइपरट्रोफी में प्रोटियस सिंड्रोम होता है. ठीक है, टोरोडोंटिज्म ऑक्वायर्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ डेंटल पेपिला विद इनर एनामेल एपिथेलियम, फेलियर ऑफ हेटविक एपिथेलियल शीट डायफ्राम टू इन्वेजिनेट एट द प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्वाइकल लोब. कोई बोल सकता है? आई थिंक इट इज वेरी टफ फॉर यू ना. तो इसका आंसर है बी. ओके, फिलर ऑफ हेटविक एपिथेलियल शीट डायफ्राम टू इन्वेजिनेट एट द प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल. टोरोडोंटिज्म में क्या होता है? इट इज अ डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ द टूथ इन व्हिच द बॉडी इज एनलार्ज एट द एक्सपेंस ऑफ द रूट. तो ये देखो फोटो आपका टोरोडोंटिज्म का. तो यहाँ पे बॉडी देखो, इसका क्राउन बहुत बड़ा है, बट रूट वी कैन नॉट, रूट पहले था यहाँ पे, नॉर्मल में था, बट वेन यू गो टू हाइपरटोरोडोंट, जो एक है हाइपोटोरोडोंट, इसके बाद मेसोटोरोडोंट एंड हाइपरटोरोडोंट, ये क्राउन इतना बड़ा हो गया कि रूट इज नॉट विजिबल ओनली. सी द पल्प हैज बिकम सो बिग. ओके, फर्स्ट सी द पल्प इतना छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, एंड इट हैज बिकम सो बिग. ओके, सो दिस इज टोरोडोंटिज्म. ओके, सो एनलार्ज पल्प चेंबर, पल्प चेंबर एनलार्ज हो जाता है, एपाइकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पल्पल फ्लोर एंड लैक ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन एट द सीमेंटो एनामल जंक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ओके, तो इट कैन अफेक्ट द डेसिडियस टीथ और द परमानेंट टीथ. प्लीज रिमेंबर दिस, टोरोडोंटिज्म आपका डेसिडियस टीथ में भी हो सकता है और परमानेंट टीथ में भी हो सकता है. ठीक है, फाइन. सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद टोरोडोंटिज्म, तो ये याद रखना है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टोरोडोंटिज्म कौन सा सिंड्रोम्स में पाया जाता है? एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइकोडेंटो ओशियस सिंड्रोम, मोर सिंड्रोम, मेकोन ऑलब्राइट सिंड्रोम, वेंडर वर सिंड्रोम. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस सिंड्रोम्स इन डिटेल हमारा फ्यूचर क्लासेस में. एनीवे, आई थिंक जो कुछ सारा वीडियोस है आप यूट्यूब में देख लेना, हमारे ओरल पैथोलॉजी प्लेलिस्ट पे. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस सिंड्रोम्स. ओके, क्लाइनफेल्टर, फिर मैक्यून, अल्ब्राइट, वेंडरवुड, तो ये सारा सिंड्रोम्स ऑलरेडी मैंने बताया है, आप प्लीज चेक कर लेना. तो प्लीज रिमेम्बर, एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डाउन सिंड्रोम, एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेशिया, वी कैन मेक न्यूमोनिक्स ऑल्सो, अभी फिलहाल नहीं बनाया है बट वी कैन मेक इन द फ्यूचर. क्लाइनफेल्टर, ट्राइकोडोंटो एशियस, मोर सिंड्रोम, मैक्यून ऑलब्राइट और वेंडरवुड सिंड्रोम. ओके, bilateral mandibular involvement is seen in, is called kaun sa hai bilateral mandibular involvement? cherubism. cherubism ka aur ek naam kya hai? Eyes kaise hota hai? How are the eyes? heaven. raised to heaven. theek hai, fir yahan pe floating teeth paya jata hai, floating teeth. okay, multiple impacted supernumerary टीथ भी पाया जाता है. ठीक है, सो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, टीथ सीम टू फ्लोट इन द लाइटिक स्पेस इन द जॉ. ओके, जो टीथ है वो इट फ्लोट इन द लाइटिक स्पेस इन द जॉ, मल्टीपल टीथ में भी इंपैक्टेड. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन ड्यूरिंग द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए लंगर हैंड सेल हिस्टोसाइटोसिस लेशन इज, कोई बता पाएगा इसका? सुना है लंगर हैंड? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन? नहीं नहीं, ग्रेनुलोमा नहीं है इसका. इसका इट्स सी, बिरबेक्स ग्रेन्यूल्स. ओके, बिरबेक्स ग्रेन्यूल्स. द लैंगरहैंड सेल्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय द प्रेजेंस ऑफ बिरबेक्स ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म यूजिंग स्पेशल इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स. सो इसका आंसर बिरबेक्स ग्रेन्यूल्स है. ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी विल स्टडी इन पैथोलॉजी. पैथोलॉजी जब पढ़ेंगे लैंगरहैंड हिस्टोसाइटोसिस अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, बर्निंग सेंसेशन इज इन माउथ इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट
किस किस में बर्निंग सेंसेशन होता है, यहाँ पे देखो प्लीज, बर्निंग सेंसेशन इन रेनुला में नहीं होता है. यस यू आर करेक्ट. पेरनीशियस एनीमिया में होता है, आयरन डिफिशियंसी में होता है, डायबिटीज मेलिटस में भी होता है, बट वी डोंट सी इन रेनुला. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बर्निंग माउथ सिंड्रोम? वी हैव गॉट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया कैंडिडा, फिर स्टेफाइलोकोका, स्ट्रेप्टोकोका, एनरोब्स, ये सब आपका बर्निंग माउथ सिंड्रोम कॉज करता है. ठीक है, जेरोस्टोमिया एसोसिएटेड विद जोग्रेन सिंड्रोम. ओके, जोग्रेन सिंड्रोम नाम सुना होगा. ठीक है, तो जोग्रेन सिंड्रोम में भी होता है. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन एंड पॉसिबली जिंक में भी होता है. एनीमिया, पेरनीशियस एंड आयरन डिफिशियंसी दोनों दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो हॉर्मोन इम्बेलेंस, हाइपो एस्ट्रोजेनीमिया, ओके, डायबिटीज मेलाइटस और कभी कभी साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स होने से बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है. ठीक है, टूथ विथ इन ए टूथ इज सीन इन, कौन सा में बहुत कॉमन है? व्हाट इज टूथ विथ इन ए टूथ, क्या बोलते हैं इसको पहले बताओ? डेंस इन इनवेजिनेटस. डेंस इन वेजिनेटस या डेंस इन डेंटे. ओके, तो कौन सा दांत में सबसे ज्यादा कॉमन होता है? फीमोलर. वो प्रीमोलर. तो प्रीमोलर में तो वो होता है ना, डेंस इवाजिनेटस, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर. सो डेंस इंडेंटर, इसका सिनोनिम क्या है? डेंस इनवाजिनेटस या डायलेटेड कॉम्पोजिट ओडोन्टोमा भी बोलते हैं. प्लीज रिमेम्बर दिस, डायलेटेड कॉम्पोजिट ओडोन्टोमा. परमानेंट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व. तो देखो ये CI है, ये LI है, तो LI में मोर कॉमन है ये. जिंजाइवल लेशंस आर यूजुअली नॉट फाउंड इन, किस में नहीं पाया जाता है? पायोजेनिक ग्रेनुलोमा. पायोजेनिक ग्रेनुलोमा में तो जिंजाइवा में ही होता है. देखो एप्थासल्सर हुआ है आप लोगों को कभी, यू नो अनिकेत, आकाश, एप्थासल्सर क्या है पता है? Yes. ये yes. जो ऐसे ऐसे हुआ है कभी आपको? हाँ सर. Yes. स्ट्रेस yes, के कारण होता है आपको, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के कारण होता है. तो ये जो है एक्चुअली लिप्स में होता है, बकल म्यूकोसा में होता है, पर जिंजाइवा में कभी नहीं होता है. सो एप्था अल्सर, रिकरेंट एप्था आर नॉट रूटीनली फाउंड ऑन द जिंजाइवा. द लेशन पार्टिकुलरली फेवर बकल म्यूकोसा एंड लिप्स. ओके, लिप्स और बकल म्यूकोसा में भी होता है, और बट वी डोंट सी इट इन जिंजाइवा. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रिकरेंट एप्थे, एप्थे और एप्थस अल्सर. ठीक है, द मोस्ट कॉमन ओरल लेशन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इज, कौन सा है सबसे ज्यादा? ए तो नहीं है, थोड़ा कॉम्पिटिशन है इसमें. हाँ, इट इज ऑलमोस्ट, मतलब लाइक ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर वेरी कॉमन, बट कैंडिडियसिस थोड़ा आगे है. ठीक है, सो ओरल कैंडिडियासिस. ओके, मोस्ट कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इज ओरल कैंडिडियासिस. ओके, रिगाफेडा डिजीज इज एसोसिएटेड विद, पता है आपको रिगाफेडा डिजीज क्या होता है? सुना है नाम पहले? इट्स वेरी सिंपल. देखो जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, कभी कभी उसका जो जन्म होता है तभी एक दांत होता है. ठीक है, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर पे नेटल टीथ. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? नेटल टीथ इज एसोसिएटेड विद नेटल टीथ. व्हाट इज नेटल टीथ? जो टीथ मतलब इरप्टेड व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न. ओके, जो दांत मतलब जन्म होने के साथ ही आता है उसको नेटल बोलते हैं. और एक है नियोनेटल. नियोनेटल मतलब नया, विद इन 30 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ जो आता है उसको नियोनेटल बोलते हैं. तो रिगाफेडा डिजीज इज ए बेनाइन एंड अनकॉमन म्यूकोसल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय अल्सरेशन ऑफ द टंग. तो क्या होता है, ये जो आपका नेटल टीथ होता है ना, ये आपका टंग में लगते रहता है और एक अल्सरेशन कॉज करता है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिगाफेडा डिजीज. द अल्सरेशन ऑफ द टंग ड्यू टू नेटल टीथ इज नोन एज रिगाफेडा डिजीज. ओके, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई रिगा एंड इटालियन फिजिशियन एंड डिस्क्राइब बाई 1890 बाई फेडे हु परफॉर्म द हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑन द लेशन. ओके, हर्पिस जोस्टर इज कॉज्ड बाई वेरिसेला. एब्स्टेन-बार वायरस क्या कॉज करता है? एनीवन रिमेम्बर्स? कापोसिस सार्कोमा सुना है? यस यस. एब्स्टेन-बार कापोसिस सार्कोमा नहीं है, आई थिंक बार्किट्स लिम्फोमा.
बार्केस लिम्फोमा इज बाय एब्स्टाइन बार वायरस, प्लीज एक बार चेक कर लेना ये, ठीक है? एब्स्टाइन बार, हाँ बार्केस लिम्फोमा ही होगा। ओके, सो सीज डेराइव फ्रॉम स्टेलेट रेटिकुलम एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। हाँ हाँ एब्स्टाइन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ओके 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 ओके, जस्ट लेट मी चेक ना। ओके नेक्स्ट बताओ, वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम। ओके सी, ओके सी नहीं है ये, ओके सी नहीं है। डेंटिजरस सिस्ट, डेंटिजरस सिस्ट भी नहीं है। हाँ एब्स्टाइन बार वायरस बार्किट लिम्फोमा कॉज करता है, उसमें बी है ना, बी बी, ठीक है। दिस इज आंसर इज आपका प्रिमोर्डियल सिस्ट होता है, ठीक है, स्टेलेट रेटिकुलम से यही डिराइव होता है। So the primordial cyst develops from the enamel organ of the tooth bud as a result of degeneration of stellate reticulum. Stellate reticulum कौन सा shape का होता है? Anyone remembers? Star shaped. Star shaped. हाँ. तो primordial cyst जो होता है, see देखो primordial cyst कहाँ पे होता है? In the absence of a tooth. जहाँ पे एक tooth missing है, वहाँ पे primordial cyst होता है. And it occurs due to degeneration of the stellate reticulum. Degeneration of stellate reticulum in a developing tooth bud. Okay? तो यहाँ तक ही है।